हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को लाने के लिए बसों को चलाने की इजाजत दी थी। इस रुख के बाद बसों का परिचालन शुरू होने से पहले ही कुछ राज्यों ने केंद्र से स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग रख दी है, ताकि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाना संभव हो सके। हालांकि 4 मई से सीमित संख्या में रेल सेवा शुरू करने की योजना की पुष्टि केंद्र सरकार ने नहीं की। इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि केंद्र दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को राहत देने के लिए सेवा शुरू कर सकती है। सूत्रों की माने तो रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस योजना के तहत हर रोज 400 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती है। इन्हें जरूरत के मुताबिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 1000 तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के मुताबिक हर नॉन एसी ट्रेन के सफर में 1000 यात्रियों को ले जाएगी, जो कि ट्रेन की कुल क्षमता का आधा होगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ठीक ढंग से पालन हो सके। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के रूट में जो भी राज्य और स्टेशन आएंगे, वहां के लोगों के मूवमेंट्स और स्क्रीनिंग की ठीक व्यवस्था मुहैया होनी चाहिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।